लौलाक होना चाहिए, नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। बावजूद जिक्र साहिब लौलाक होना चाहिए, नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। चाहे अजमल हो या बैकल, सबका कहना है यही, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए। हजरात, ये थे सनातन रसूल मोहतरम कारी रोशनदीन, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन कलाम नसीर से हम सब के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे। लेकिन हम लोगों की हालत ऐसी बनी हुई थी, शायर कहता है कि फूलों में जो कशिश है गुलदान में नहीं, फूलों में जो है कशिश गुलदान में नहीं, तुम फिर भी फायदे में हो नुकसान में नहीं। फूलों में जो है कशिश गुलदान में नहीं, तुम फिर भी फायदे में हो नुकसान में नहीं। और नाते रसूल सुनकर भी चुप क्यों हो दोस्तों, जलसे में तुम हो हशर के मैदान में नहीं। इसलिए अपने या होने का आप सबूत है, जब कोई कलाम आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की ताल से नवाजते रहे और आने वाले लोगों को आप ये पैगाम दे दीजिएगा कि फराज़े अर्शे आज़म का जीना हम भी देखेंगे। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, फराज़े अर्शे आज़म का जीना हम भी देखेंगे। और जहां दिन रात बढ़ता है खजीना हम भी देखेंगे। फराज़े अर्शे आज़म का जीना हम भी देखेंगे, जहां दिन रात बढ़ता है खजीना हम भी देखेंगे। और बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से, अल्लाह के फजल से एक दिन मदीना हम भी देखेंगे। बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से, अल्लाह के फजल से मदीना एक दिन हम भी देखेंगे। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हुजूर की तारीफ करने के लिए हम और आप यहाँ जमा है, उस मुस्तफा को खुदा ने वो मकाम अदा किया है कि कर्म है उसका वो दर पे भुला के देता है। अब भी अगर आप खामोश रहोगे तो हम जैसा कोई बदनसीब नहीं होगा, इसलिए कि आपके सामने हुजूर की तारीफ हो रही है और हुजूर की तारीफ पर आशिक मचल जाया करता है कि कर्म है उसका वो दर पे भुला के देता है। दोनों हाथ ला के बोले सुभान अल्लाह, कर्म है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। कर्म है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। और दरे रसूल पे मत सोच आए मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो वो बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच आए मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो वो बना के देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दरबारे मुस्तफा की बात चल गई तो मुझे कुछ अशआर बड़े पसंद है और मैं हमेशा हर जलसे में ये अशआर पढ़ा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अगर आपको कोई आकर के ये पैगाम सुना दे कि तुम्हारे लिए मदीना का वीजा लग गया, अब जिस जिस को मदीना जाना हो अपने दोनों हाथ उठाकर के बोले सुभान अल्लाह, मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल आया, मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल आया, समझ लो जन्नत में जाने का रास्ता निकल आया। मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल आया, समझ लो जन्नत में जाने का रास्ता निकल आया। नहीं था बैंक बैलेंस, फिर भी तैयबा जाने का इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल आया। नहीं था बैंक बैलेंस, फिर भी तैयबा जाने का इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल आया। और अदा सलीके से करके रसूम आती है, अदा सलीके से करके रसूम आती है, दरे रसूल को आंखों से चूम आती है। अदा सलीके से करके रसूम आती है, दरे रसूल को आंखों से चूम आती है। और अमीरी बैठी हुई रहती है हवेली में, गरीबी मक्का मदीना से घूम आती है। अमीरी बैठी हुई रहती है हवेली में, गरीबी मक्का मदीना से घूम आती है। इसलिए ये मेरा एक पैगाम है, इसको नोट फरमाए के खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, मस्जिद नबवी का जीना देख लेना चाहिए, खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, मस्जिद नबवी का जीना देख लेना चाहिए। और जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए, जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। आइए हजरात, फिर बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
नात रसूल का तोहफा लेकर के तशरीफ ला रहे हैं। गुजारिश करता हूँ शरा खान रसूल मोहतरम मोहम्मद अकरम से कि माइक्रोफोन पर तशरीफ लाए और अपनी प्यारी आवाज में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें कि बशर ही क्या फरिश्ते भी बेरसू नात पढ़ते हैं, बशर ही क्या फरिश्ते भी बेरसू नात पढ़ते हैं, फलक के कहकशा कुर्सी तो महरू भी नात पढ़ते हैं, बशरी क्या फरिश्ते भी बेरसू नात पढ़ते हैं, फलक के कहकशा कुर्सी तो महरू भी नात पढ़ते हैं और मचलते हैं नजामुद्दीन महबूब इलाही भी सब जाए के मरबूदम जब खुशरू नात पढ़ते हैं।